अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम और फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, अभी नाश्ता करके निकले हैं घर से। तो आज मैं और जमा दनान भाई, कमर भाई, आमर भाई आज जा रहे हैं शॉपिंग करने सब्बू टर्मिनल पे, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है। यहाँ पे सर्दी पाकिस्तान से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो धूप लगने के बावजूद बहुत ज़्यादा जो ना ठंडक होती है, नमी होती है, मतलब कि हवा चलती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। तो चलते हैं आज सब्बू टर्मिनल पे, आप लोगों को दिखाते हैं क्या प्राइस है यहाँ कपड़ों की और भी बहुत कुछ इंजॉय करने के लिए। तो चलें, लेट्स सी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टॉप पे पहुँच गए हैं, तो बस स्टॉप यहाँ से तकरीबन एक मिनट की मुसाफत पे है। तो हम जा रहे हैं इस वक्त सब्बू टर्मिनल, जिस तरह पहले भी आप लोगों को बताया। तो कोरिया में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह का, मतलब कि कपड़े कितने महंगे होते हैं, कितने सस्ते होते हैं, और पाकिस्तानी कीमत के लिहाज से कितना सस्ता कितना महंगा है। तो चलें, लेट्स सी स्टार्ट पे। फाइनली हम पहुंच ही गए हैं, और इस वक्त कैमरा पकड़ा हुआ है मेरे बहुत ही दिल के करीब डोगर भाई ने। तो चलें, बस आ गई है, जमा कर जा रहे हैं, बस आ गई है। चलें, लेट्स सी जनाब, बैठते हैं और चलते हैं सब्बू टर्मिनल। तो फाइनली हम ई मार्ट पे पहुंच गए हैं और यहाँ से शॉपिंग करेंगे। सर्दियों फर्स्ट सर्दियाँ आई हैं, मतलब कि जितने भी न्यू वर्कर आ रहे हैं कोरिया में उनको, तो हमें भी फर्स्ट आई हैं। तो हम इस सिलसिले में निकल आए हैं, बाहर के चले शॉपिंग वगैरह करते हैं, कोई अच्छे से मतलब के जैकेट वगैरह लेते हैं। तो अभी हम ई मार्ट में हैं, तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या सूट, मतलब कि क्या चीज़ें मिलती हैं, मतलब कि जैकेट वगैरह किस प्राइस में मिलती हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत इन्होंने अंदर एक रखा हुआ है, इसमें जो ना कछुए वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने। तो इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शीशे के घर बनाए हुए हैं इस तरह, उसमें मछलियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं बहुत किस्म की, ये मार्ट पे शो पीस के तौर पर। तो यही चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो बहुत साफ़ सुथरा माहौल है इनका कोरिया में ना, कोरिया के लोग बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखते हैं। तो जिस तरह कहा जाता है कि सफाई निसफ ईमान है। एक ट्राउजर पसंद किया आपने? अभी फिलहाल तो अभी शर्ट एक देखते हैं अच्छी सी मिल जाए। अच्छा, ये सर्दियों की शॉपिंग हो रही है? हाँ जी, सर्दियों की। तो अभी हमें आए थोड़े दिन ही हुए हैं, तो वरना ट्राउजर कोई गर्म लिए थे, लेकिन ना तो भाई ने अभी लेना था ना, तो इसलिए साथ आए हैं। तो बस अभी ट्राउजर एक पसंद किया है, तो शर्ट इंशाल्लाह देख। दनान भाई, शर्ट नहीं मिल रही? हाँ अभी यार, शर्ट भी लेनी है और ट्राउज़र भी एक दो लेना है। तो पहली दफ़ा आए हैं, तो देख के इसलिए कह रहे हैं कि देख लें सर्दियों के लिए शॉपिंग करने। चलें, सुबह वर्क पे जाना है, पहला दिन है कल काम का। हाँ जी, चलें, बेस्ट ऑफ लक।
फाइनली दोस्तों रात का टाइम है, रात का तकरीबन 11 बजे का टाइम है और अदनान भाई ने शॉपिंग की है और कुछ मैंने और जमान भाई ने शॉपिंग की है। पे अभी नहीं मिली इसलिए जो ना वो इतनी ज़्यादा खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। एक ट्रोज़र लिया है आई थिंक और एक शर्ट ली है और हमने कुछ फल ख़रीदा है मैंने और कमर भाई ने। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर, घर वापस जा रहे हैं हम। दोस्तों कोरिया में सर्दी की आमद है, बहुत ज़्यादा सर्दी है आज। मेरे पास दूसरी कैब नहीं थी तो मैंने ये कैब पहन ली और मेरे साथ इस वक्त हैं अदनान भाई, कमर भाई। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया अदनान भाई ने शॉपिंग की है तो मैंने तो जस्ट फल ख़रीदा है तो खुशगवार मूड में है दोनों भाई, कमर भाई और अदनान भाई। गाना गुनगुना रहे थे काके का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी आज की जो वीडियो आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी, आई होगी। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा हमारे आज के व्लॉग को। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें और बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुँच सके। कोरिया के अबाउट कोई भी आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं या मालूमत लेना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन कर दिया करें, हम उस पर नई वीडियो लेके आया करेंगे इंशाल्लाह। जितनी हमसे मालूमत इकट्ठी हो सके हम करके आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।